क्योंकि हम आदिवासियों से ही ये भारत देश बना है। ये जो धरती है हमारे पूर्वजों की धरती है। जंगल जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति से पहले 250 साल पहले से बहुत बलिदान दिए। इन्होंने हमें जनजाति के रूप में दर्ज किया, एसटी के रूप में दर्ज किया, लेकिन वो मूल पहचान नहीं है। आदिवासी हमारी मूल पहचान है, जो ट्राइबल उसका अंग्रेजी वर्ड। साल भर में आपको 7000 भाषाएं मिलेगी आदिवासी। मीणा समाज की बिली है, संथालों की संथाली है, गोंड समाज की गोंडी है, वैसे मीणा समाज की मीनी है। ये निशी समुदाय से, तो इनकी निशी मतलब जो भाषा है वो देवनागरी। महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दादी से दादी, दादी से दादी, दादी से दादी, नानी से नानी, नानी से नानी, वो अपनी परंपराओं को हजारों लाखों साल। आप चाहे ज्योतिष देख लीजिए, चाहे कृषि विज्ञान देख लीजिए, चाहे भूगर्भ विज्ञान देख लीजिए, चाहे मौसम विज्ञान देख लीजिए, या प्राणी विज्ञान देख लीजिए, या जीव जंतुओं की जानकारी देख लीजिए, जड़ी बूटियों की जानकारी देख लीजिए, मिट्टी की जानकारी देख लीजिए, आदिवासी पूर्वजों के पास ही वो मूल जानकारी है। उन्होंने भी कहा है कोरोना के बाद अगर पूरे संसार को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा, उनकी जीवन शैली को बचाना होगा। सरकारें पूंजीपतियों की दौड़ में शामिल होकर आदिवासियों का विनाश कर रही है विकास के नाम पर। आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, लोहा चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो आप आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ करते हैं प्रशासन के द्वारा। हिंदू राष्ट्र बनने जब ये देश जा रहा है तो सबसे बड़ा रोड़ा आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी किसी धर्म से आरएसएस चल रहा है, आपका देश यहाँ से चल रहा है, पूरे संगठन देश के यहाँ से चल रहे हैं। आपको पता है गढ़ है ये तो पूरे गुजरातियों का या जेएनयू का। अब आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति बिठाया गया है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बैंक बिक गए, रेलवे बिक गया, हर बीमा बिक गया, हर सरकारी संस्थान इन्होंने बेच दिया है। राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर आप लोगों से मतलब तालियां बजवाई जा रही है, और हमारे अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को वो साम दाम दंड भेद से अपने अंडर में वो काम करवाते हैं। वो जो कहते हैं वही काम वो खुद करते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हमें कोलम कोड नहीं मिला, इसीलिए हमारी अस्मिता पर प्रहार किए जा रहे हैं बार बार में। और ट्राइबल कॉलम की मांग जब की जाती है तो ये सरकार विरोध में आरएसएस के लोगों को भेज देती है। जो भी आदिवासी इस तरीके का काम करता है तो वो कह देते हैं ये राष्ट्रद्रोही है, ये नक्सली है, या और आज बलात्कारी और अपराधी तो आप सांसद बना के बिठा रहे हो। संस्कारों की बात करते थे, आशा राम है, राम रहीम है, या फलाहारी बाबा, कितने आबा बाबा काबा है, वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो सत्ता को बनाए रखने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए धर्म की अफीम उनके द्वारा ही चटाई जाती है, राजनेता उनको पाल के रखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और आदिवासियों का देश है, इसीलिए ये देश बचा हुआ है। को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही देश को बेच चुके हैं और बेचने जा रहे हैं आगे भी, जो बचा हुआ उसको। छोटाउदेपुर सहित राज्य देश अने दुनियाना समाचार जोवा माटे सब्सक्राइब करो तीर समाचार अने बेल आइकॉन जरूर दबाओ।